बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा कल हमारे जोधपुर में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी मौके पर और नवरात्रि का आखिरी दिन होने के कारण हम लोग पहुँचे माता चामुंडा माता का दर्शन करने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो वहाँ पे हम लोग आए हैं, नवरात्र के 9 दिनों में तो आ नहीं पाए और इस बार नवरात्र का दिन एक ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस वजह से भी लास्ट दिन जाके ऐसा मन बना कि माता रानी ने बुला ही लिया। तो इसी पावन अवसर पर हम लोग पहुँचे चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए मेहरानगढ़ किले के अंदर। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि यहाँ पे राजा महाराजा भी आने वाले हैं, क्योंकि दशहरा था, दशहरा भी कल ही था ना, तो इस वजह से क्या है ना वो शस्त्र पूजन वगैरह करते हैं। और हमारे जोधपुर में निकलती है राम सवारी जो मेहरानगढ़ दुर्ग से होते हुए रावण का चबूतरा तक इस तरफ से जाती है, तो इस वजह से महाराजा गज सिंह जी और उनकी फैमिली वाले सब लोग पूरा शाही परिवार आया हुआ था, तो हमें भी देखने के लिए मौका मिला। तो चलिए अभी आप हमारे साथ चलिए माता जी के दर्शन करते हैं सबसे पहले, और आपको दिखाते हैं हमारा कल का दिन कैसा रहा, तो बने रहिए ब्लॉग में। हर साल जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के अंदर से भगवान श्री रामचंद्र जी की सवारी निकाली जाती है जो रावण के चबूतरा तक जाती है, उसमें पूरा शाही परिवार शामिल होता है। और कुछ इस तरीके से हर साल की तरह यहाँ इस बार भी दशहरे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम लोगों को वैसे पता नहीं था और कभी जाने का मौका भी नहीं मिला। मैं भी फर्स्ट टाइम ही महाराजा गज सिंह जी को आमने सामने कुछ इस तरीके से देखूंगी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। शुरू में सब बचपन से ही देखा है कि राजा जी कैसे होते हैं, कैसे मतलब फोटोज़ वीडियोज़ में तो बहुत देखा है उनको, आज रियल में भी उनको देखने के लिए मौका मिला, तो बहुत ही प्यारा अनुभव हो रहा यहाँ का। और माता जी की आटम और नवमी के दिन खास पूजा की जाती है, तो दशहरे का पावन अवसर था, तो इस वजह से किले के अंदर माता जी की भी बहुत ही प्यारी विशेष पूजा की गई। तो महाराजा गज सिंह जी के हाथों से विशेष पूजा यहाँ पे की गई और बाद में मनुहार भी की गई, जैसे कि माता जी को मतलब क्या कहते हैं दारू वगैरह भी चढ़ती ही है, तो उनका भी भोग लगाया गया। क्या होएगा? शस्त्र पूजन वगैरह करते ना। कार यार ये गज सिंह जी रहे रास्ता है इधर इधर देखते इधर तू पीछे देख नीचे जाना पड़ेगा। आरती हो रही है, हमें नीचे जाना पड़ेगा। हमें नीचे नहीं जाना, हम तो ऊपर से ही जाएंगे। चलो जाओ चले जाओ आगे जाकर रुक जाना। देख इधर देख इधर देख इसमें देख है
थोड़ा आगे बताते रहो, भीड़ हो जाएगी फिर। यहाँ पे महाराजा क्लियर दिखेंगे, नहीं जाएंगे। आगे तू किधर से आया? पापा पापा
मेहरानगढ़ किले में मैं जब भी आती हूँ तो मुझे जो अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है वो सबसे ज़्यादा खास जगह है माता सती के हाथों की छाप। जितने भी माता हुए थे और जो सती हुए थे उनके हाथों की जो छाप है वो अपनी तरफ मुझे वो ज़्यादा ऐसे खींचते हैं। तो मैं हमेशा जब भी आती हूँ सबसे पहले उन्हीं का आशीर्वाद लेती हूँ अखंड और अमर सुहाग के लिए। तो उनका आशीर्वाद लेके और प्रोग्राम को यहाँ तक दे के हम लोग निकल पड़े वापस घर की तरफ। वैसे घर तो नहीं गए थे, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से खेजेडला माता बेसाद जी के दर्शन करने के लिए। तो माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और बच्चे भी परेशान करने लग गए थे, तो बच्चों को छोड़ा घर और वहाँ से लिया हमारी झलक को साथ में और हम लोग निकल पड़े खेजेडला के लिए। तो आगे का व्लॉग आपको खेजेडला का ही देखने को मिलेगा, खेजेडला गांव की तरफ जा रहे हैं। और आई होप आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय।